है बाबूजी, आज इस महुआ चैनल बिरहा दंगल भाग टू में आज जो हमारे चार मूर्ति के रूप में भगवान स्वरूप जो हमारे जज साहब लोग सामने बैठे हुए हैं, मैं एक स्वर से मैं उन लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। साथ साथ में हमारे एंकर के रूप में गुरु के समान आप बड़े भाई विजय लाल यादव जी के चरणों में मैं कोट कोट नमन करती हूँ। साथ साथ में जो हमारे हमारी दीदी रानी चतुर्वेदी जी हैं उनके चरणों में नमस्कार प्रणाम। और साथ साथ में जो भी भाई इस महुआ चैनल बिरहा दंगल भाग टू को देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, मैं सबको एक साथ नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आप लोग के बीच में एक छोटा से श्रृंगार रस के बिरहा प्रस्तुत बा। जैसे में कि आप लोग के बीच में हमार यहाँ कोनो कंपटीशन का बात ना है महुआ चैनल में, आप अभी भी हमारे ही सामने बैठे हैं, आप हमारे गुरु समान सुदई भैया बैठल हुआ बड़ी सुंदर गीत सुनौलन जैसे कि पहले के पुरनिया लोग गावत रहलन। खैर देखले तना रही लेकिन सुनी ला जा, लेकिन हम बतावत थी कि कहीं आपके अनुभव 25-30 साल से हुआ और हम कहीं हमार 1-2 साल से अनुभव होते एक के बराबर ना लग जाए। तो आपके चरणों में हमार नमस्कार प्रणाम हुए। कहा नाम है कैसे? कि कंगना भैल कटार कीरा बनल गले के हार, तो फूलवा जनली जेवन भैल समय पर खार। कितना सुंदर कवि जी बात बतौलन। कह नाम है कैसे? तर्ज लग गई। वह बढ़िया पुरान गीत हुए कि अरे हंसी हंसी पनामा कि राजा भारत हरी कपिंगला गुजरिया कि छला के बदनिया पर नूर हो कि दिल में बसाए राजा कि दिल में बसाए राजा मोहानी मूरतिया त करे ना करे जवा से दूर। आए बाबू आखिरकार बताओल गई कि वही राजा भरथरी के दुलहिन पिंगला रहलिन, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि जितना भी वर्णन करल जाइए वो भी कम पड़ जाए। आखिरकार उनके चेहरा के उनके खूबसूरती के देख के एकदम मनमुग्ध होगल हुए, मोहित हुए। जब मोहित भयल हुए इतना मानत हुए जब उन्हें का कौनो हिसाब किताब ना हुआ। आखिरकार एक दिन दरबार में बाबू प्रजा लोग भरल हुए, सब लोग बैठल हुए, वही बीच में एगो साधु बाबा अलन। आ जब साधु बाबा अलन त राजा जी से एगो बात कहलन। का कहलन? तर्ज लग। वह गीत हो लेकिन तर से बढ़िया फर्ज सुना कितना बढ़िया कवि जी लिखले हुए। उस साधु बाबा राजा जी से बतावत हुआ, का बतौलन कि जवानी जालिम राजा कि जवानी जालिम राजा नहीं ये बस में होती, जवानी जालिम राजा नहीं ये बस में होती। कलन किया है राजा साहब ये जवानी चाहे कोई कहो खे कोई के बस में होखे वाला ना ये चीज हुए, कोई के बस में ना हुए। इतना बतिया बतौलन कलन किला हमार तो बड़ी है, खूब सेवा कैला जिंदगी भर सेवा कैला, लेकिन ये सेवा जितना कैला यही खातिर हम तोके एगो एकरे खातिर एगो चीज देती। का दे थुआ? तर्ज बदल गई। वह गीत हुए कि खत आई गयो शहर बनारस से खत आई गयो शहर बनारस से खत आई गयो। राजा साहब से साधु बाबा बतावत हुए कलन किया है राजा साहब
तेलन का फल खाएला वो फल खाएला राजा कहला योगिया फल खाएला वो फल खाएला राजा कहला योगिया फल खाएला। औरु बतौलन कि कबो आई ना बुढ़ाई सदा रही तरुड़ाई खूब कैला सेवकाई एकर मजा गैला पाई फल खाएला फल खाएला राजा कहला योगिया फल खाएला फल कोई के बस में रहे वाला चीज ना हुए आहाई एगो फल देते ही बड़ी तू हमार सेवा कैला यही पर खुश होके ही फल देती आ ये फल के खाए ले बा तो कबो बुढ़ैबा नहीं। आखिरकार फल त ले लेलन राजा साहब आ साधु बाबा देख के चल गइलन सोचलन राजा साहब की ना हम फलवा खाए के अपने अपनी रानी के दे दे रानी पिंगला के फल देले हुए आ जब रानी पिंगला के फल देलन तो भइल का तर्ज बदल गइल मास्टर गीत बढ़िया पुरान गीत कि अरे बोहारी पड़ो मेलावा में लेकिन इधर राजा साहब अपने रानी के फलवा देथु त कैलन का कि खियाई देता राजा जी कि अरे खियाई देती रानी जी के फलवा ले जाए हो खियाई देती रानी जी के के सैन कक्ष में उ फल देवे खाती आ जब सैन कक्ष में पहुंचल हम तब बाबू भयल का कि फल खाला रानी कायम रही है जवानिया हो ए रानी ई फल खाला तोहर जिंदगी आ तोहर ई कबो ना बुढ़ौती आई एकदम सदा जीवन भर यही तेरे जमाने रहबू फल खाला रानी कायम रही है जवानिया हो अपने से ज्यादा बेसी मानी दिला जानिया हो त सूत गईला से जिया पर सूत गईला भावरा से जरिया सजाए हो खियाई देती रानी जी के फल वाले जाए हो खियाई देती रानी जी के। आखिरकार जब रानी के ले जाए के फल देले राजा साहब रानी तो फल ले लेली लेकिन कुछ कहत ना है। आखिरकार बाबू प्रमाण मिलल कि वो हो रानी पिंगला कांटेक्ट और कंसल्ट कोई और से रहल कैसे रहल तो एक कोतवाल साहब से रहल उ सोचलनी कि हम ना फलवा खाए के कोतवाल साहब के दे दे हमार कोतवाल साहब कबो बुढ़ैबे न कर सदा जवाना रह। आखिरकार बाबू भैल का बिरहा शैली से भाव मिलल जीवन में इन से यारी ना करे कि कामी कुटिल कमी ना काम बसी जो नारी जीवन में इन से यारी ना करे आए बाबू कामी कुटिल कमी ना काम बसी जो नारी जीवन में इन से यारी ना करे। कितना बढ़िया कवि जी संकेत कैलन लिखलन दर्शौलन गाना के अंदर तर्ज बदल गिल कैसे मास्टर उहेगी था जौना कैसेट का नाम बनी रहुआ सटल रहे बड़ी चीत परचित गीत आप लोग का हुआ आइल जोने समय मार्केट में बड़ी धूम मचौले रहल दुलही रहे बीमार दुलही रहे बीमार निरहुआ निरहुआ सटल रहे दुलही रहे बीमार निरहुआ जब गईलन ओही बीच में कोतवाली आई गईलन रानी के घरे आ जब दरबार में आयल हुआ रानी के सन कक्ष में गईलन तब तक से भयल का आ गईले कोतवाल आ गईले कोतवाल दुलहिया कहन लगी अरे आ गईले कोतवाल तिलवा से दिल के दिल से हाल गुजरियो कौन लगी दिल से
कोतवाल दुलहिया कहन लगी। आए बाबू कोतवाल साहब अइलन एकदम आँखी में आँख डाल के आ एकदम एकदम नैना चार भइल हुए नजर में नजर गड़ाए के लगलिन कहे कि है कोतवाल साहब एगो चीज तोहरे खातिर रखले है। पूछे लगलन कि ऊ का रखले तो कहे कि है यह फल रखले ये के खाए लेबा तो कबो बुढ़ैबे ना करबा। आखिरकार बाबू फल के दे देले है कोतवाल साहब लेके फल के गइलन आ ऊ फल ले गइलन कहां ते एक कोठे पर बेस्या के यहां आ ऊ जब कोठे पर नाचे वाली नृत्य करे वाली बाबू बेसिया के यहाँ फल के ले जाए के दे देलन बेसिया के। सोच गईलन कि फलवा हम न खाई के वो बेसिया के दे दे तो वो जिंदगी भर यही तरह रही कबो ना बुढ़ाई चूंकि ओकर ओइसन कर्म हो पैसा हुए यदि कबो ना बुढ़ाई तो ओकरे बदे बढ़िया हो। आखिरकार जब बेसिया फल ले ले है बाबू ओ समय बेसिया फल लेके झंखत हुए एकदम आँख से झरझर झरझर नीर बरसत तो सोचे लगल कहे कि बाह रे मालिक जिंदगी में अपने जीवन में कबो बढ़िया कर्म तना कैली लेकिन ए जीवन में कर्म बढ़िया तना कैली लेकिन कुछ ऐसन कर्म कह दही कि वो जीवन में हमके मुक्ति मिल जाए सके। आखिरकार बाबू उ फल जब पौले हैं बेसिया तुरंत ले जाए कि राजा साहब के दरबार में गईली। राजा के दरबार में जब गई हई भरथरी यहाँ बाबू ओ समय सोचे लगलिन कली कि है राजा साहब एगो हम सामान आपके लिए आवे के देले है दे थे सामान आपके आखिर कैलिन का आला में भाव मिलल कि अरे फलवा देखा तो झंखे राजा भरथरी बाबू सोचे लगलन फल दे के कि का करत हौ ई काहे बदे हमके तू फल दे तू सोचे लगने कि है फल त हमके जोगी बाबा देले रहलन खाए बदे आखिरकार फल गयल कैसे वहां सारी बात को अपना बता देती है बेसिया कि हमको तो कोतवाल साहब ला करके दिए हैं। सोच गई कि मैं यही सोच करके आपके यहां आई हूं राजा साहब कि भगवान और राजा का दर्जा एक ही बराबर हुआ करता है आप भी तो प्रजा के लिए इतना जड़ते मरते हैं अगर आप नहीं रहेंगे यदि आप फल खा लेंगे जिंदगी भर आप जवान रहेंगे तो प्रजा को सुख देते रहेंगे और प्रजा बाबू स्वतंत्र रहेगी। आखिरकार यही बात कह करके जब राजा के फल दिले राजा सोचत हुआ कैलन का जनवा से बढ़ के जनली जमने रानिया के बाबू बना मिला नावा से जरिया को कोई हैरनिया चली दिहल छोड़ी बाबू घरवा हो दुआर जाकर के रानी पिंगला के शयन कक्ष में पूछे लगलन कलन का हो रानी हमारे साथे तू इह करल चलू है इतना हम तो के जान से बढ़ के जेके मनली जौनी रानी के जेकरे पर जान ने उछावर कैली आज हमके तू इह सिला देलू है। आखिरकार कौन हमारे हमसे तो के कमी रहल का कुछ कमी कैले रहली रानी आँख से झरझर झरझर नीर बरसत ही रानी पिंगला के सर के मुड़ी के नीचे झुकाए ले हैं कलिन कि ना राजा साहब बहुत बरियार हमसे गलती हो गई। आखिरकार क्रोध में हो करके गुस्सा में हो करके राजा भरथरी बाबू घर द्वार के त्याग के चल देलन कहले कि हमार तोहार आखिरी मिलन हुए आ जब घर द्वार के छोड़ के चलल उस समय आखिरी कड़ी में कवि जी लिखलन का लिखलन अरे देखे अंतिम बेरिया निरन्नय नवा भरी कि बाबू देखे अंतिम बेरिया निरन्नय नवा भरी तो छोड़ के चल दी हले दुआरवा हो राजा भरथरी अरे गेरुआ बसन सोहे हाथे में गुजरिया
आ गुरु के भजन तब कैले राजा जोगिया कि जीवन में इनसे यारी ना करे कि बाबू जीवन में इनसे यारी ना करे त नीलम राम निवास के रक्षक डमरू धारी जीवन में इनसे यारी नीलम जी रवा सब के सुनौली रवा सब सुन ली आशीर्वाद भी रवा सब दे रहल बानी लेकिन अब सुदई राम यादव जी के हम मंच पर बुलाई ये से पहले लेवे के पड़ी छोटी मुकी ब्रेक महुआ चैनल के वो कार्यक्रम में जेके रुआ बड़ा प्रेम से कहिला के बा सिपाही के बा चोर के करा में बा कितना जोर आपन माटी आपन बल रुआ सब देख रहल बानी बिहार दंगल टू तब हमार दोनों कलाकार लोग मंच पर आगेल बानन रुआ सब भी बेकरार होखब कि जल्दी जल्दी जज साहब के अदालत में लोग के ले चले सबसे पहले हम बागी घराना के जज की कुर्सी पर विराजमान श्री परशुराम यादव जी से निहोरा कर रहल बानी कि रुआ बताई कि दोनों कलाकार लोग के गीत कैसन लगल रुआ के बहुत बढ़िया लगल जब वो लड़की अपना मुंह से कह देलस गुरु जी सुदई के आ एक दो साल के अपन अनुभव बतौलस तब ओकर हम तारीफ या आशीर्वाद छोड़ के और का दे सकिल हमके उकरे पर हम टीका टिप्पणी ना कर सकीला हमार हिम्मत ना करत बा हो सकेला वो हर का जज साहब कुछ कह दे विद्रोही घराना के सरदार से हम पूछल चाहत बानी अरे ओ ओहरे वाह सुरेंद्र जी राउर का विचार बा हे 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 री वाह वाह रे सुदई जी बहुत बढ़िया आप बिरहा गौल आपके बिरहा ककहरा के रहल एगो नारी के ऊपर कटाक्ष रहल लेकिन वाह रे नीलम जी वाह गजब कहानी तू गवलू एगो वेश्या के चरित्र का होला इहो बता दिहलू और राजा खातिर के वेश्या कि हमार राजा जियत रही है तो प्रजा के सेवा करी है कथानक बहुत बढ़िया रहल श्रृंगार रस के भी झलक रहल इनकी विरह में दोनों कलाकार बहुत बहुत बिरहा बढ़िया गौलना आखिरकार जज साहब के बार बार टिप्पणी बाकी विद्रोही घराना के जज से पूछल जा दोनों कलाकार ठीक गौलन आखिरकार तू मनबा कब तू यापन रोहन पहले तो सुधार ल बाबू बाबू का कपार पर लात धरे का कोशिश मत करा बाबू के कपार यहाँ जज की कुर्सी पर बैठल बड़ा बाबू का कहला नहीं नहीं तू जज बड़ा हम हूँ जज बनी हम का बाप का कहला लड़ाई के मैदान में जे चलल बा भाई सुना सुना अब लड़ाई के मैदान में बाबू और भाई के कौन रिश्ता पहले बात सुन वहाँ तो रिश्ता है लड़ाई का अरे भाई सुनिए लड़ाई के मैदान में कहना जानते हैं कि बोलना भी जानते हैं कौन हमार तू बाप बड़ा आप सुनिए केवल कहना जानते हैं ई कह मैं दोनों भाई बाबू शब्द लगाया हूँ छोट भाई कहा ठीक बा अरे भाई सुना बाबू शब्द हम दोनों ओर से लगौली हाँ कि तनी सुधरे त जाना बाबू बाबू के कपार पर लात मत धरा हमारी शब्द पर पहले गौर करा हम दोनों ओर बाबू शब्द लगौले हैं अब बात कार विहीन हम आदमी ना है बात बनावला सना अगर छोट भाई के बाबू कहल जाला तो तू बड़ भाई का अगर छोटो भाई के मानल जात हो मान ला तो हमहू कहली हाँ अपना के छोट भाई की बाबू के कपार पर लात मत धरा बात अगर छोट भाई मान के कहले हो बात तो कहला हम अपने खातिर के लगा तू कहला कि बाबू की कपार पर लात मत धर हां हां दोनों ओर लगो बाबू की कपार पर लात दोनों ओर बाबू कह जला लड़का के भी बाबू कह जला भोजपुरी जज साहब दोनों ओर बाबू ए बाबू बाबू के कपार पर लात मत धर ए बाबू दोनों जज साहब लोग अपने में कटाक्ष कर रहल बानन रुआ सब देख रहल बानी एमे हमरा के बीच में हमार बोलल हल्कापन हो जाई हम नहीं की बोल चाहत आनंद लेत रही
लेकिन अब बिरहा खातिर जज के कुर्सी पर विराजमान बानी, बिरहा के पक्ष में श्री काशीनाथ यादव जी। रउआ से जानल चाहता नहीं कि दोनों कलाकारन के गीत रउआ के कैसन लगल, का कहल चाहता नहीं। हमार खुद और निष्पक्ष जज की कुर्सी पर बैठल आदरणीय प्यारे लाल कवि जी, इनकर हमार दिली इच्छा बाब कि नीलम सिंह के हमन का आशीर्वाद दई जाम, वही जगह आके अब भाई सुदई जी से गले से गला मिला के हमनी का मिली जाम। स्वागत बा हमार दो जज साहब लोग, काशीनाथ यादव जी और प्यारे लाल कवि जी। मंच के तरफ आ रहल बनी नीलम सिंह के आशीर्वाद दिहन और इच्छा बा कि सुदई राम से गला मिली। मौका बार बार ना मिली, रहुआ रही पीछे। बिन घर नी घर भूत का डेरा, पुरुष और नारी में जीवन की एक मस्ती है। पुरुष पतवार है तो नारी उसकी कश्ती है, पुरुष गर जोग है तो नारी उसकी भक्ति है, अब पुरुष बलवान है तो नारी उसकी शक्ति है। जौना चीज के हम भुला गए बानी, धारा प्रवाह बह गई हाँ, कि हमार बिरहा दंगल कितना बढ़िया हो रहा बा, कि हमार जज साहब लोग अपन अपन आसन छोड़ के कलाकारन के आशीर्वाद देवे खातिर यहाँ अलन, हम पैर छुअल तक भुला गए कि बाहरे नारी अब बाहरे हमार रानी। हमार दोनों जज साहब लोग आके सुदई राम जी से गले मिलनी, नीलम सिंह के आशीर्वाद देनी। जज लोगन का फैसला हो गई, अब दुनिया के सबसे बड़ी अदालत जनता जनार्दन की अदालत में चलत बनी सामने स्क्रीन पर। बाबा बाहरे बा बहुत बढ़िया, बरसावत रही है इतना प्यार, लुटावत रही है इतना स्नेह, बनल बनी जा हमनी के, छोड़ के मैदान न हम हटब, न छोड़ के मैदान रउआ सब हटब, हमार गवैया भी तैयार बानन, हमार साज बाज वाले भी तैयार बानन, रउआ सब भी तैयार बानी, हमनी के तैयार बानी जा। ये एपिसोड के विराम लगावे के पड़ी जैसन के रउआ सब जानत नहीं, लेकिन ये एपिसोड के विराम लगवला से पहले बागी घराना और विद्रोही घराना के दोनों जज साहब लोग के हम आदर पूर्वक आमंत्रित कर रहल बानी कि दोनों जज साहब लोग रउआ सभे मंच पर आई और आके मंच पर कलाकारन के आशीर्वाद दी और जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद स्वीकार करी, श्री परशुराम यादव और श्री सुरेंद्र यादव। संगीत गीत के का बच्चों